सिपे की सम्राट आना शुरू हो गए हैं ग्वादर में। यहाँ पर एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाया गया है, बहुत जबरदस्त इंस्टीट्यूट है और ये चाइना हुकूमत के ताउन से जो है वो बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त हम ग्वादर में घूम रहे हैं और ग्वादर में जब भी ग्वादर की बात आती है तो बड़ा बताया ये जाता है कि जी पता नहीं क्या कुछ है, कौन सी तरक्की जो है वो ग्वादर में होती नहीं है, मगर मुस्बत पहलुओं को भी जो है वो उजागर करना बड़ा ज़रूरी होता है। जो चीज़ थोड़ी बहुत हुई है उसको भी बताना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सर, इनसे बात करते हैं। सर अपना तारुफ भी करा दीजिएगा। और ये जो इतनी माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मशीनरियाँ हम यहाँ पर देख रहे हैं, बच्चे जो है वही लोकल जो लोग हैं जिनको कहा जाता है जी ये कुछ नहीं कर सकते, आज माशाल्लाह से सीख रहे हैं और यही आगे बढ़ते हैं। जी जनाब, ये सीपे का पहला प्रोजेक्ट है जो कि मैं कहता हूँ कि सीपे की सम्राट आना शुरू हो गए हैं ग्वादर में, और ग्वादर के बच्चों को जो है ना टेक्निकल स्किल्स के जो है ना ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो अपकमिंग इंडस्ट्री के लिए ताकि उनकी जॉब लग जाए। और ग्वादर के मकामी लोग बहुत खुश हैं इस प्रोजेक्ट के, सीपे का जो पहला प्रोजेक्ट ग्वादर में कम्प्लीट हो गया है तो लोग बहुत खुश हैं। स्टूडेंट जान पेशानी के साथ मेहनत के साथ जो है ना यहाँ पर सीख रहे हैं बच्चे। सर इसमें चाइना का कितना अहम किरदार है, और दूसरा ये भी बताइएगा जो मशीनरी हम देख रहे हैं ये तो मशीनरी बड़ी जदीद किस्म की मशीनरी है, हालांकि अगर गलियों के बारे में देखें तो इतनी ऐसा लगता है कि जी पता नहीं कोई कहाँ आ गए, लेकिन इस तरह का तरक्की याफ्ता यानी कि काम होना, बिल्डिंगें बनना और उसके बाद इंस्टीट्यूट अच्छे होना, क्या कहेंगे सर आगे? जनाब ये गवर्नमेंट ऑफ चाइना की तरफ से ये सीपेक का जो है ना, जो मैंने पहले बता दिया कि ये बड़ा बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, ये गिफ्ट है समझो एक ग्वादर के लोकल बच्चों के लिए, और ये दुनिया की जो है ना जदीद मशीनरी के साथ मतलब बेहतरीन मशीनरी के साथ ये इंस्टीट्यूट है और ये बड़ा उससे जो है ना दिल लगा के बच्चे पढ़ रहे हैं। सर ये जो तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चे, ये तालीम जो है पाकिस्तान में भी इनको नौकरी न सिर्फ मिलेगी बल्कि बैरून ममालिक के लिए भी, क्या इनके लिए बड़ा अच्छा है? हाँ ये बड़ा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ये, हालांकि ग्वादर में दूसरे भी इंस्टीट्यूट हैं मगर इस इंस्टीट्यूट का ये एक बेहतरीन पॉजिटिव पहलू ये है कि हम बच्चों को एक साल में यहाँ पढ़ाएंगे और दो साल चाइना में पढ़ाएंगे, और दो सालों के अंदर वहाँ पे चाइनीज़ इंडस्ट्री के साथ उनको इंटर्नशिप भी जो है ना दिलाया जाएगा ताकि वो न सिर्फ ग्वादर की इंडस्ट्री के लिए जॉब लेने में कामयाब हो सकें बल्कि पाकिस्तान में, और बल्कि उनकी स्किल्स इतनी इनहांस हो जाएगी दुनिया में कहीं भी उनको नौकरी मिल सकेगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसीली गुफ्तगु रही है, थोड़ा सा अंदर चलते हैं, अब मशीनें देखते हैं किस टाइप की मशीनें हैं और दूसरा लोगों से भी बात करते हैं, तो चलिए हमारे साथ। बड़ी बात हो गई जी पोर्ट की, अब थोड़ा सा मैं पोर्ट से हटकर अगर मैं बात करूं ग्वादर की तो टेक्निकल हवाले से जो है वो इन ग्वादर के शहरियों को जो है वो सीखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इनके पास पूरा एक हेडक्वार्टर है सीपेक का, अगर ये लोग सीखेंगे नहीं तो फिर कैसे तरक्की करेंगे, तो यही वजह है कि लोकल लोगों को अच्छा सिखाने के लिए जो है वो यहाँ पर एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाया गया है, बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है और ये चाइना हुकूमत के ताउन से जो है वो बनाया गया है और बहुत शानदार फुल ज़बरदस्त। अगर मशीनरी के बारे में मैं अगर बात करूँ, ज़बरदस्त किस्म की मशीनरी है, ऐसा लग रहा है कोई मतलब क्या काम कर रहे हैं मगर इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर क्या काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हो आप, हैंडल चला रहे हो यानी कि स्टेयरिंग आप चला रहे हो, पाँव आपका जो है वो नीचे, क्या कैसी मशीन है ये? ये सर पावर लिफ्टर है, क्रेन है पावर लिफ्टर। अच्छा जी, हम सर इधर सीख रहे हैं, पहले सर हमने पढ़ा थ्योरी पढ़ा किताबों में, अभी सर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं इधर। अच्छा जी, ये ग्वादर में पहले ऐसा था या खाली अब होना शुरू हुआ? नहीं सर पहले ऐसा नहीं था, अभी सर ये इंस्टीट्यूट बना है माशाल्लाह, अभी चल रहा है सर, नेपटेक इसको चला रहा है। रोजाना की बुनियाद पर आते हो आप, और क्या क्या टाइमिंग है? जी सर हम रोज़ाना आ रहे हैं, टाइमिंग सर 3 बजे के लेकर 6 बजे तक है टाइमिंग। अच्छा, मज़ा आता है आपको कि कम से कम आप किताबों से निकल के आप जो है वो प्रैक्टिकली लाइफ में आ गए? जी सर अभी तो मज़ा है माशाल्लाह, गेमिंग भी है और हम सीख रहे हैं भी ना, ताकि हमको सनद मिलेगा, फिर हमारे ग्वादर के शहरों के लिए आसानी होगा ना काम वाम इधर उधर,
फिर सर ये पोर्ट में भी ये कारोबार चलता है ना, इसलिए सर। ठीक है, और भी लोग से बात करते हैं, सामने एक भाई और भी बड़ा स्टेयरिंग चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मशीन है, बात करते हैं, कैसा लग रहा है आपको, आप किताबों से निकल के आप मशीनी दुनिया की अंदर दाखिल हो गए? जी बहुत अच्छा लग रहा है जी, के जो ये हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट आया हुआ है कि प्रैक्टिकली हम लोगों को सिखा रहे हैं जी। मज़ा आ रहा है आपको? जी बिल्कुल आ रहा है। कोई परेशानी तो नहीं है मशीन में? सिखाने वाले लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर, हमारा सर भी बहुत अच्छा है, हमें अच्छी तरह सिखा रहे हैं हम लोगों को जी। और भी एक भाई और हैं आखिरी, उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं कैसा लग रहा है आपको, माशाल्लाह से आप फुल मशीन में आप बैठ गए हैं, पहले किताबों में सीखने को मिलता था, समझ भी नहीं आता था, अब तो आपको बकायदा मशीन की सूरत। जी बिल्कुल, बहुत मज़ा आ रहा है, और सबसे पहले सलमान की मेहनत की वजह से हम यहाँ तक पहुँच गए, माशाल्लाह बहुत कुछ सीखा है अभी तक। बिल्डिंग कैसी लगी आपको यहाँ की? बहुत अच्छा लगी है, बहुत सही है, माशाल्लाह बड़ा बिल्डिंग बनाया हमारे पढ़ाने के लिए, हम यहाँ सीख रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, चाइना ने पूरा ये बना कर दिया है, मशीनें चाइना ले कर आए, चाइना के बारे में क्या कहेंगे, चाइना का शुक्रिया अदा करेंगे आप? जी हाँ बिल्कुल, चाइना का शुक्रिया अदा करेंगे, इतना मेहनत किया है हम लोग को, इतना बड़ा इदारा बना के दिया है पढ़ने के लिए और सिखाने के लिए, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम चाइना के। थैंक यू सो मच जी। आपने देखा कि इस पूरे इंस्टीट्यूट में जो है वो हम तरक्की देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये तरक्की ना सिर्फ गवादर में होगी बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये तरक्की आपको देखने को मिलेगी, और हमारे होनहार स्टूडेंट जिनको सिर्फ और सिर्फ तो समझा ये जाता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं ये वही लोकल लोग हैं, मगर जब यहाँ से सीखेंगे तो उसके बाद आप इन्हीं लोगों के ऊपर फ़ख्र करेंगे कि ये हमारे नौजवान या हमारे बच्चे हैं जो निकल कर इन्हीं लोकल गलियों से, मोहल्लों से, कच्ची आबादियों से निकल कर जो है वो ऊंची सतह के ऊपर गए, और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा। तो आइए थोड़ा सा और विज़िट करते हैं इन जगहों का। मैडम लुबना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, दी न्यूज़ से इनका ताल्लुक है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनसे बात करते हैं, इनका तजुर्बा बड़ा जो है वो अहम है। मैडम ये बताइएगा, लोकल एरियाज़ के ऊपर इस तरह का इंस्टीट्यूट बनना, आप क्या समझते हैं, गवादर में आपने विज़िट किया, कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली जब आप लोगों को इंस्टीट्यूट अच्छा देंगे ना, तो बच्चे जो आएंगे उनको एक सेंस ऑफ प्राइड मिलेगा। एक अंग्रेज़ी की कहावत है, फाइन फेदर्स मेक फाइन बर्ड्स, तो ये बिल्कुल वही बात है, अगर आप अच्छे अच्छे कपड़े पहना के लोगों को बाहर निकालते हैं तो सब पे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, एनवायरनमेंट ऐसा हो कि लोगों का दिल लगे, उनका वहाँ पढ़ने का दिल चाहे, तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ जब आपने उनको स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट दे दी है, तो बिल्डिंग भी अच्छी है और बच्चे जहीन हैं, तो ये तो एक विनिंग फार्मूला है इनके लिए। मैडम आपने बच्चों से मुलाकात की, किस तरह के बच्चे लगे आपको, क्या ये बच्चे निकल कर ऊपर जा सकते हैं? ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, इनमें पोटेंशियल बहुत है, और सबसे बढ़ के इनके अंदर एक कुछ करने की जो है ना, एक इनके दिल के अंदर लगता है कि इनके अंदर है कि हमको, हमें कुछ करना है, क्योंकि वो ज़्यादातर बच्चे कह रहे थे कि यहाँ अगर हमको नहीं भी कुछ मिलता हम आगे पढ़ने जाएंगे मज़ीद। तो ये बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, और आई जस्ट होप कि वो अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज़ कर सकें। मैडम आपने पूरा पोर्ट भी विज़िट किया है, और कई मरतबा आप जो है वो गवादर पोर्ट आ चुकी है, कराची का पोर्ट भी देखा, पोर्ट कासिम भी हमने देखा है, मगर जिस तरीके से गवादर पोर्ट जो है वो डेवलप्ड हुआ है, और अब उसके असरात जो है वो गवादर के शहर में भी आना शुरू हो गए, बल्कि मुख्तलिफ शहरों में हम देख रहे हैं कि उसके असरात शुरू हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? इसमें चाइनीज़ इन्वॉल्व हैं, और चाइनीज़ बड़े एंटरप्राइजिंग हैं, बड़ी कौम जो है ये बहुत हार्ड वर्किंग भी है, और ये सिर्फ बातें नहीं करते, एक्चुअली काम भी करते हैं। और जहाँ तक कराची का पोर्ट है, एक ज़माना था कि वो सबसे ज़्यादा बिज़ी पोर्ट हुआ करता था, और यहाँ पे बहुत पुरानी पारसी फैमिलीज़ थी वो यहाँ पे काम किया करती थी, जिसमें एक कावस जी फैमिली भी थी जिसका मैंने पहले आपसे जिक्र किया। तो कावस जी फैमिली जो है वो इनके अंदर पोर्ट इसके अंदर बहुत इन्वॉल्व थे, और हमारी बदकस्मती आप ये कह लें कि पारसीज़ जो हैं वो इससे अलग हो गए हैं, जो पोर्ट जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसकी पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकती हैं, लेकिन वो उनके अलग होने से हमको नुकसान पहुंचा है। ऐसी बात नहीं है कि कराची जो था 1947 में बिल्कुल कुछ नहीं था, 5 लाख का शहर था, बहुत साफ़ सुथरा था, फिशिंग विलेज बेशक था लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल था, और इसलिए कराची के पोर्ट में ऐसा नहीं हुआ कि जस्ट ये एकदम काम करना शुरू हो गया। आखिरी सवाल मैडम मैं करूँगा,
इतनी ये जो आपने बिल्डिंग देखी है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका जो है वो आर्किटेक्चर अगर देखें इस हिसाब से देखें तो बड़ा अच्छा है। अंदर एसी लगे हुए हैं, सब चीज़ें यानी कि बेहतरीन है। एक माहौल जो फराम की करना चाहिए, वरना कराची में आप चले जाएँ सरकारी स्कूलों में, प्रैक्टिकल तो दूर की बात है, थ्योरी भी हमें सही समझ नहीं आती। तो यहाँ पर जो है वो थ्योरी के साथ साथ बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो प्रैक्टिकल सिखाया जा रहा है। उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिल रही है हर चीज़ के अंदर। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ उन्होंने पढ़ के सुना दिया कि ये पढ़ लो, ये हमने किताब खोली है इसमें से ये पेज पढ़ लो, ऐसा नहीं है। उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिल रही है। तो ये तो एसी उनको चाहिए, उनको प्रोवाइड किया गया है। जिस हिसाब से यहाँ पे गर्मी है, ये बच्चे बगैर एसी के नहीं सही से काम कर सके। इससे पहले हमने यहाँ पे एक आध और जगह विज़िट की थी, वहाँ पे बच्चों ने यही बोला कि हम एसी के बगैर कैसे पढ़ें, जिस हिसाब से यहाँ गर्मी होती है और लाइट जाती है, तो वो यहाँ के ये प्रॉब्लम्स हैं इस जगह के। तो आई थिंक ये अगर एक मसला हल हो जाए इस जगह का, तो इवन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वगैरह बहुत अच्छा कर सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मैडम लुबना इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनका तजर्बा जो है वो बड़ा ज़रूरी था। मुख्तलिफ शहरों में विज़िट करते रहते हैं और इनसे बात करना भी बड़ा ज़रूरी था। अब थोड़ा सा मैं ये बता दूँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये इंस्टीट्यूट बनाया गया है, चाइना हुकूमत के तआवुन से जो है ये इंस्टीट्यूट बनाया गया है। और इस इंस्टीट्यूट के बनने से मैं आपको बता दूँ, जितनी ये जो आपकी कच्ची आबादी जिसकी आप कराची की बात करते हैं, वहाँ तो खैर कुछ भी नहीं होता। सिंध हुकूमत पता नहीं क्या, मैं उसके कुछ नुमाइंदे हैं सिंध हुकूमत के जो चाह रहे हैं कि जी कराची शहर को उठाएं, मगर अगर यहाँ की बात करें गवादर की, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट जो बनाए जा रहे हैं, जो मशीनरी यहाँ पर जो बच्चों को फराम की जा रही है, जो इस्तेमाल की जा रही है, वो इतनी ज़बरदस्त है कि यही बच्चे निकल कर ऊपर जा सकते हैं और अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।